नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पीके गुरुजी में। आज के अपने इस वीडियो में हम कंप्यूटर से संबंधित कुछ प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम बिना समय लगाए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। इसमें जो हमारा सबसे पहला प्रश्न है कि .. एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। तो इसके लिए चार ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन ए है प्रोसेसर, ऑप्शन बी है कंप्यूटर, ऑप्शन सी है केस और ऑप्शन डी है स्टाइलस। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए प्रोसेसर। यानी एक प्रोसेसर है जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है और जो डाटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है। इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो प्रोसेसर होता है वह कंप्यूटर का एक बहुत ही प्रमुख अंग है, यानी पार्ट है। ठीक है, इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। ठीक है, तो जो प्रोसेसर है इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंप्यूटर के भीतर हो रही सारी गतिविधियों की खबर इसके पास होती है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो सारी चीज़ों को कंट्रोल करता है उसको हम प्रोसेसर कहते हैं। आगे बात करें कि जो प्रोसेसर होता है यह एक समय में ट्रिलियंस ऑफ कैलकुलेशन को प्रोसेस कर सकता है और ये जो सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के बीच हो रही इंटरप्रिटेशन को समझकर उसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट प्रदान करता है। ये सारी डिवाइस के अंदर होता है, जैसे जो भी डिवाइस है, मोबाइल है, टैबलेट है, पर्सनल कंप्यूटर है, लैपटॉप है, और इसी को यानी जो प्रोसेसर होता है इसी को हम सीपीयू के नाम से जानते हैं। तो यह इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी थी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा .. इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। ऑप्शन ए है नंबर, ऑप्शन बी है प्रोसेसर, ऑप्शन सी है इनपुट और ऑप्शन डी है डेटा। तो इसका जो सही आंसर है वह है डेटा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। अब इसके बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि जो डाटा होता है ऐसा स्थान संग्रहित करने वाला पूरक है जिसको कंप्यूटर या मोबाइल के सीपीयू में मेमोरी में स्थान दिया जाता है। ठीक है, तो डाटा वह कहलाता है जो कि मेमोरी को घेरता है, जिसमें यह रक्षित रहता है तथा किसी प्रोग्राम को शुरू करने की गति देने और स्थगित करने के कार्य में डाटा एक माध्यम की तरह प्रयोग किया जाता है। जैसे कोई भी प्रोग्राम है, अगर हमें उसको शुरू करना है या उसको बंद करना है तो जो डाटा है उसे डाटा से पता चलेगा। ठीक है, और डाटा जो सबसे पहले डाटा शब्द का प्रयोग किया गया था वह किया गया था 1940 में। ठीक है, अब आगे बात करें कि ट्रांसमिसिबल और स्टेबल कंप्यूटर सूचना में डाटा शब्द का पहली बार प्रयोग हुआ था 1946 में। ठीक है, और डाटा शब्द के कई मतलब होते हैं, जैसे कि कोई सूचना, कोई ज्ञान। यह शब्द डाटा से संबंधित है लेकिन हर शब्द का अपना अपना अलग महत्व होता है। ठीक है, और जो डाटा होता है वह कंप्यूटर से संबंधित शब्द ही नहीं है। ठीक है, कोई भी सूचना हो उसको हम डाटा कह सकते हैं। जैसे कि पहले कंप्यूटर का आविष्कार नहीं हुआ था तब भी लोग डाटा को एकत्रित करते थे जो किताबों में रखा जाता है। ठीक है, पहले किताबों में रखा जाता था, अब उसी को हम कंप्यूटर में रखते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि ATM क्या होते हैं। जो ATM है यह क्या होते हैं। ऑप्शन ए है बैंक की शाखाएं, ऑप्शन बी है बैंकों के स्टाफ युक्त काउंटर, ऑप्शन सी है बिना स्टाफ के नकदी देने और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका जो सही है वह है बिना स्टाफ के नकदी देने का जो काउंटर होता है उसको हम बोलते हैं ATM। कुछ अतिरिक्त जानकारी की अगर हम बात करें तो ATM का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। ठीक है, हिंदी में अगर हम बात करें तो स्वचालित गणक मशीन इसको हम बोलते हैं। कुछ और नामों से इसको जाना जाता है, जैसे ऑटोमेटिक बैंकिंग मशीन। ठीक है, कैश पॉइंट, बैंकोमैट इसको कहते हैं। ठीक है, और सबसे पहले जो ATM का प्रयोग किया गया था वह 27 जून 1967 को लंदन के बारकेले बैंक ने इसका सबसे पहले प्रयोग किया था। अगले प्रश्न की बात करें कि जो है कि डाटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है। ठीक है, तो जो डाटा प्रोसेसिंग होती है उसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए है डेटा का संग्रह, ऑप्शन बी है कंप्यूटर की कार्य प्रणाली,
ऑप्शन सी है गणना कार करना और ऑप्शन डी है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वह ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। अगर हम इस पे कुछ अतिरिक्त जानकारी की बात करें कि डाटा की उपयोगिता के आधार पर किया जाने वाला विश्लेषण डाटा प्रोसेसिंग कहलाता है। जो भी डाटा की उपयोगिता है उस पे जो विश्लेषण किया जाएगा उसको हम बोलेंगे डाटा प्रोसेसिंग। डाटा से सूचना निकालने के लिए हमें बहुत सी क्रियाएं जैसे कि जोड़ना और घटाना करना पड़ता है, उन सब क्रियाओं को डाटा प्रोसेसिंग कहा जाता है। इसके बाद ही सूचना प्राप्त होती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है कि सीपीयू का वह भाग जो अन्य कंप्यूटर कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह कौन है। ठीक है, तो सीपीयू का ऐसा कौन सा पार्ट है जो कंप्यूटर के अन्य कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है वह क्या कहलाता है। ऑप्शन ए है मदरबोर्ड, ऑप्शन बी है कोऑर्डिनेशन बोर्ड, ऑप्शन सी है कंट्रोल यूनिट और ऑप्शन डी है ALU। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल यूनिट। अगर हम बात करें कंट्रोल यूनिट की तो यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट यानी सीपीयू का यह मुख्य घटक होता है और इसी को हम नियंत्रण इकाई भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में से CU यानी कंट्रोल यूनिट कहा जाता है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, डेटाबेस में डॉट 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 फील्ड गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं। ठीक है, अगर हमें नंबर की कोई भी स्टोरेज करना है तो उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है नेक्स्ट, ऑप्शन बी है की, ऑप्शन सी है अल्फा न्यूमेरिक और ऑप्शन डी है न्यूमेरिक। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी न्यूमेरिक। अगर हम इसके बारे में बात करें कि जो डाटा बोस होता है उसमें जो न्यूमेरिकल फील्ड होती है यह गणना करने के लिए प्रयुक्त नंबर स्टोर करते हैं और इस न्यूमेरिकल में 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग होता है। वो कहाँ कहाँ यूज होता है, जैसे कि कर्मचारियों की वेतन बनाना हो, परीक्षा में प्राप्त अंक लिखना हो, जनगणना, रोल नंबर, अंकगणितीय संख्याएं आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अगले प्रश्न की बात करें कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी एल्गोरिथम, ऑप्शन सी इनपुट और ऑप्शन डी गणना। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी इनपुट, यानी जो कंप्यूटर में हम डाटा डालते हैं उसको इनपुट बोला जाता है। कुछ अतिरिक्त जानकारी भी है कि कंप्यूटर में जाने वाले डाटा को इनपुट कहते हैं, वैसी इकाई जो यूजर से डाटा प्राप्त कर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इलेक्ट्रॉनिक पल्स के रूप में प्रवाहित करता है। जैसा कि हम जानते हैं कि ATM में जब हम निकासी के लिए जाते हैं तो हमें पिन नंबर डालना होता है, उसके लिए इनपुट एक यूनिट इकाई के रूप में कीपैड का उपयोग किया जाता है। आगे बात करते हैं कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण डॉट 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 द्वारा किया जाता है। ठीक है, जब हम इनपुट देते हैं और हमें आउटपुट मिलता है तो किसके द्वारा यह किया जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है पेरिफेरल्स, ऑप्शन बी है मेमोरी, ऑप्शन सी है स्टोरेज और ऑप्शन डी है CPU। तो इसका जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी CPU। आगे बात करते हैं, इसकी कुछ अतिरिक्त जानकारी है कि इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण CPU द्वारा किया जाता है। CPU जिसको हम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के नाम से जानते हैं और इसी को प्रोसेसर भी कहते हैं। यह एक इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोचिप है जो डाटा को इंफॉर्मेशन में बदलते हुए प्रोसेस करता है। इसे कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है। यह कंप्यूटर सिस्टम के सारे कार्यों को नियंत्रित करता है तथा यह इनपुट को आउटपुट में रूपांतरित करता है। यह इनपुट यूनिट तथा आउटपुट यूनिट से मिलकर पूरा कंप्यूटर सिस्टम बनाता है। आगे बात करते हैं कि जो कंप्यूटर है वह क्या है। तो ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ऑप्शन बी पावर मशीन, ऑप्शन सी मानव मशीन और ऑप्शन डी डेटा आकलन। तो इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए इलेक्ट्रॉनिक मशीन। ठीक है, तो कंप्यूटर एक मशीन है जो कुछ तय निर्देशों के अनुसार कार्य को संपादित करता है। यह एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है जिसे बनाया गया है जानकारी के साथ काम करने के लिए। यह शब्द कंप्यूटर जो है लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ है कैलकुलेशन करना या गणना करना। इसका मुख्य तौर से तीन काम है। पहला काम है डाटा को लेना जिसे हम इनपुट कहते हैं, दूसरा काम है डाटा को प्रोसेस करना और तीसरा काम है कि जो प्रोसेस डाटा है उसको हमको दिखाना होता है जिसको हम आउटपुट के नाम से जानते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है
कि कंप्यूटर की विशेषता या कार्य निम्न में से एक नहीं है, ठीक है? ये हमें बताना है कि इसमें से कौन सी कंप्यूटर की विशेषता या कार्य नहीं है। ऑप्शन ए है डेटा संकलन, ऑप्शन बी है डेटा संचयन, ऑप्शन सी है डेटा संसाधन और ऑप्शन डी है डेटा का आकलन, ठीक है? तो इन चार ऑप्शन में से जो ऑप्शन नंबर डी है वह कंप्यूटर की विशेषता नहीं है, यानी इसका प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर डी। अगर बात करते हैं कुछ अतिरिक्त जानकारी की, तो कंप्यूटर के जो मुख्य कार्य हैं वो है डाटा का संकलन यानी डाटा कलेक्शन, डाटा संचयन यानी डाटा का स्टोरेज, डेटा संसाधन यानी डाटा प्रोसेसिंग और डेटा निर्गमन यानी डाटा का आउटपुट। ये चार काम कंप्यूटर के हैं, ठीक है? थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।